पर पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीजें ये मिली हैं कि एक तो आई थिंक हारिस राउफ बहुत अच्छा दिखे हैं। पाकिस्तान अगर अग्रेसिव नहीं होगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आप वो टीम नहीं हो सकते जो 270-290 देख रही है। आपको किसी दिन 350 किसी दिन नहीं, आपको हर रोज 350-350 देखने हैं। अब वो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो वो आपको तरीका ढूंढना है। शुरू में जब आप स्लगिश होते हैं और झटका आपको लगता है उसके बाद इंजेक्शन आपको लगता है। और पाकिस्तान मैंने हमेशा देखा है, मैं कल भी कह रहा था, अगर पाकिस्तान स्टार्ट अच्छा करता है तो ये फिनिश अच्छा नहीं करते। जब इनका स्टार्ट थोड़ा सा ढीला होता है ये फिनिश अच्छा करते हैं। पर पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीजें ये मिली हैं कि एक तो आई थिंक हारिस राउफ बहुत अच्छा दिखे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट एक ही लिया पर बॉल उन्होंने भी ठीक ठाक किया। बट अगेन ये बड़ी टीमों के खिलाफ क्या करेंगे, अच्छी विकेटों पे खेल रहे हो, अच्छे आउटफील्ड पे खेल रहे हो और रन आपको बनाने होंगे। आप वो टीम नहीं हो सकते जो 270-290 देख रही है। आपको किसी दिन 350 किसी दिन नहीं, आपको हर रोज 350-350 देखने हैं। अब वो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो वो आपको तरीका ढूंढना है। शुरू में जब आप स्लगिश होते हैं और झटका आपको लगता है उसके बाद इंजेक्शन आपको लगता है। और पाकिस्तान मैंने हमेशा देखा है, मैं कल भी कह रहा था, अगर पाकिस्तान स्टार्ट अच्छा करता है तो ये फिनिश अच्छा नहीं करते। जब इनका स्टार्ट थोड़ा सा ढीला होता है ये फिनिश अच्छा करते हैं। अगर पाकिस्तान ने टॉप चार में आना है, सेमीफाइनल में आना है, उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। की सर दोनों सलामी बल्लेबाज आपके वॉकिंग विकेट नहीं हो सकते, बिल्कुल दोनों स्पिनर्स आपके ऐसे नहीं हो सकते कि यार ये विकेट लेंगे कि नहीं विकेट लेंगे। आदाब बहुत अच्छे लड़का है, गुड प्लेयर, वेरी गुड ऑलराउंडर T20s में। देखिए क्या होता है, आप ऑलराउंडर हो, आप एक अच्छा कैच भी पकड़ लेते हो, आप कंट्रीब्यूट करते हो एज अ फील्डिंग साइड भी। जो हम बात करते थे कि यार पाकिस्तान 5-7 कैच तो टपकाती है और फिर वहां पर मिस फील्डिंग भी नजर आती है। पाकिस्तान अगर अग्रेसिव नहीं होगा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। हारिस राउफ को मतलब ये पोले पोले ढीले ढीले दोस्ती है पाकिस्तान को सूट नहीं करता है। और पाकिस्तान हैज टू बी पाकिस्तान भाई, दे हैव टू बिहेव लाइक पाकिस्तान। मर्क्यूरी जिन्हें कहते थे 150 की किलोमीटर की स्पीड पे बॉल डालने वाला जो बॉलर है वो हंसता ही, अरे उसको तो गाली देनी है यार। डेल स्टेन जो अलाउड है वो अलाउड है। देखिये बाबर आजम भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड तो लगते हैं, ये तो भाई पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि टीम वो चलाते हैं, उन्होंने खिलाड़ियों का मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अब लोग कहते हैं देखो जी आप प्लेयरों को ना चेंज नहीं करते थे, हर जगह आप वही 3 फास्ट बॉलर खिलाते थे। हाँ उसका फायदा और नुकसान दोनों है। और आई थिंक नवाज का भी असली इम्तिहान और शादाब का भी असली इम्तिहान अगले मैच ऑनवर्ड्स होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ये हुई है दे आर ऑन द पॉइंट टैली, कि विन फर्स्ट विन विन है, विन विन है, विन विन है। अब ये पॉइंट को मिल गए ना अगले मैच में। कल इंग्लैंड को विन नहीं मिली ना पहले मैच में, हाँ हसन अली थोड़ा स्किडी बॉलर भी है, तो आप अगर हारिस राउफ और अफरीदी से नया बॉल डलवा लो और अगर वहां पर विकेट ना मिले तो वन चेंज कौन है, हसन अली। उनकी यूटिलिटी कम हो गई है, उनकी वो पावर ही कम हो गई है ना। सेम मतलब वसीम जूनियर तो एज ऑफ ना है कि वो बस बीच में ही बॉल डाल सकते हैं, उनका जिस तरीके का एक्शन है वो नई बॉल यूटिलाइज नहीं कर सकते। बीच में भी वो रन देते हैं, ऐसा नहीं है आसानी तो से रन बनते हैं। उनकी मजबूरियां भी ये हैं और इस लिहाज से आप एटलीस्ट हारिस राउफ को उनकी बेस्ट जगह पर दे रहे हो जहां पर उनका बेस्ट है। बड़ा खिलाड़ी आप सही कह रहे हैं, शांत नहीं बैठेगा। यही अगर बाबर के रन ना बन रहे होते ना तो मैं भी डरता कि यार बड़ा खिलाड़ी शांत नहीं बैठेगा। फखर नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, मैंने तो एक महीना पहले यहां तक कह दिया था कि फखर जमान को मैं टीम में रखूंगा, शुभमन को नहीं। बट द फैक्ट इज मैंने अब ध्यान से 3-4 मैच में उनकी बैटिंग देखी है, मेंटल कॉबवेब्स हैं और टेक्निकल डेफिशिएंसी है। वो क्या होता है ना, अर्ली चौके ढूंढ रहे हैं, 3-4-5 चौके आ रहे हैं बट वो गलत शॉट खेल रहे हैं, उनका बैट टेढ़ा आता है। और अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हो, आपको फॉर्म वापस चाहिए तो आपको लग के खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू लेट गो ऑफ चीप रन्स जो हम कहते हैं कि नहीं मारता मैं चौका कोई बात नहीं, मैं जी पहले 10 ओवर ऐसे खेलूंगा 15 ओवर ऐसे, फिर पाकिस्तान की टीम नीचे लग जाएगी। अब वो क्या कर रहे हैं, ही इज वांटिंग टू हिट आउट। उनका बैट आप देखें ना, बैट उनका मुड़ जाता है ऐसे, और जब आपका बैट ऐसे मुड़ ही जाएगा तो इसका मतलब है आपका पैर और आपका शोल्डर ठीक नहीं है, आपका पैर भी ठीक नहीं निकल रहा। और हर बॉल पे अब जैसे आप कवर ड्राइव मारने जा रहे हो, कवर ड्राइव भी आपने सपोज इधर मारना है, आपका बाद में बैट मुड़ेगा वो इधर जाएगा, तो उनको वो दिक्कत आ रही है। और वो स्ट्रगल सर उनका जो हम बात भी कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। कल मैंने 4 टीमें चुनी है सेमीफाइनल में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान मेरे लिए थोड़ा सा ना 4 से बाहर हो गई, बिकॉज जो एक महीने में नसीम शाह बाहर हो गए, फिर अचानक से पता चला फखर जमान के रन नहीं आ रहे, इमाम के रन नहीं आ रहे, कभी भी आ सकते हैं,
बट आर दे वरिड अबाउट फखर, ये मैं आपसे जानूंगा, या फिर शफीक ओपन करेंगे? दूसरी बात है यार, उनके ना नीचे अभी आगा सलमान भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आगा सलमान या साउथ शकील जो भी है। मुझे एक इफ्तिकार एक ऐसा प्लेयर लगा है जिसने इस एक महीने में अपने आप को इंप्रूव किया है, बॉलिंग। जिस दिन इसको शाहीन को विकेट नहीं मिलेगी नई बॉल से, सामने वाले एंड से नसीम शाह नहीं है, एक हैरिस राउफ है। हैरिस राउफ तो चलो ठीक है, उनको एक मैच में पिटाई हो गई, आई डोंट रीड टू मच इनटू दैट, बहुत दिक्कत। और आई थिंक हसन अली को तजुर्बा, बट स्पिनर क्या शादाब और नवाज, जो T20 में पाकिस्तान की बॉलिंग बेस्ट थी T20 में, बट वो T20 वाली बॉलिंग वनडे में नहीं चलेगी। तो मैंने ये चार चुने, मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप का आपको कोई बज कोई माहौल नहीं दिखेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हम लोग अगर बहुत ही क्रिकेट के दीवाने हो ना, तो हम हर टीम को अप्रिसिएट करें, हम हर टीम का मैच देखने जाएं। हमारे यहां पे है ये फैक्ट है कि इंडिया, इंडिया के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और फिर या आप इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, खत्म खत्म हो जाता है वहीं पे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, मतलब लाइन से बता रहा चार में, और चौथी न्यूजीलैंड, और पांचवा अगर कोई आ सकता, मतलब पांच कहां से आ जाएंगे, मतलब यार चौथा जो मतलब और कोई एंट्री मार सकता वो साउथ अफ्रीका ही है। इसके अलावा ना पाकिस्तान है, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है, ना नीदरलैंड्स है, ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो सकता है। मुझे भी यही लगता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान हो सकता है, फोर्थ वाला न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में। नहीं नहीं, पाकिस्तान को सब राइट ऑफ मत करो, हर चीज करने के अलग तरीके होते हैं, कभी आपकी सोच चल जाती है कभी नहीं चलती। मेरा भी ये मानना है फखर जमान उनके बड़े मैच विनर हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, वो डेविड वार्नर को देखिए, इतना स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने वर्ल्ड T20 में रन बनाने, बट ये है कि पाकिस्तान को अगर एक आधा झटका लग गया ना शुरू में, तो फिर ये टीम बहुत डेंजरस बन सकती है। अभी तो सब झटकों से ही आ रही है टीम, नहीं झटका अभी लगा नहीं है, आई थिंक उस झटके को झेल नहीं पाए वर्ल्ड कप में। देखो मैं आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल बात है, जिस जिस बड़ी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने खराब शुरुआत की है, उन्होंने जबरदस्त एंड किया है। जिस जिस टूर्नामेंट में इंडिया ने खराब शुरुआत की है, इंडिया कैचअप नहीं खेल पाया, ये याद रखना। बस ये पाकिस्तान थोड़ा प्रेडिक्टेबल ज्यादा है, इसलिए ये डेंजरस कम है। पाकिस्तान की टीम जब जब अनप्रेडिक्टेबल रही है, और दे बीन मतलब उनसे डरती है दुनिया। ये प्रेडिक्टेबल कैसे है कि आपको ना अंदाजा है, अगर नई बॉल पे विकेट नहीं बता मिली तो बाबर भी थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, स्पिनर है नहीं बीच में विकेट टेकिंग। सिमिलरली उनकी बैटिंग है, आपको मालूम है बाबर ने बनाने 500-700 रन, रिजवान भी बनाएंगे, उनको अपने रन बनाने बैटिंग करना बहुत जबरदस्त तरीका है। और बाबर की तो यार मैं बैटिंग देख देख के हैरान होता हूं, रिस्क फ्री बैटिंग करते जैसे विराट ने शुरू में, बट उस दिन देखना होगा कि सामने एक टाइट गेम चल रही है और अच्छी टीम है, वो टीम इन पे चढ़ी हुई है, वो अपने रन तो बनाएंगे, उनको आता तरीका, बट सामने वाला क्या करता है और वो पाकिस्तान की इनिंग को कैसे चलाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि बेशक पाकिस्तान की टीम इस वक्त उस स्टेज पे नजर नहीं आ रही कि उसको वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में शामिल किया जाए या टॉप फोर टीमों में शामिल किया जाए, लेकिन विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं कर रहे। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत पीछे नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती है। अब श्रीलंका का मैच काफी हद तक पाकिस्तानी टीम का फैसला करेगा कि वो कितने पानी में है, क्योंकि वो भी आसान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, अगर वो एक पॉजिटिव सोच और अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेगी तो वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।